चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस ने रोड हेल्डअप की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 13 सितंबर की रात सड़क पर रस्सी लगाकर लूट को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहा है। पुलिस ने आरोपियों से दो तमंचे, दो जिंदा कारतूस और 12,000 रुपये का कैश और उसी के साथ साथ ATM और मोबाइल फोन भी बरामद किए। तो 13 सितंबर की जो लूट हुई थी उसका खुलासा पुलिस प्रशासन ने कर दिया। पुलिस ने दो आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि एक आरोपी अभी भी इसमें फरार चल रहा है। अब पुलिस ने जो आरोपी हिरासत में लिए हैं उनसे दो तमंचे, दो जिंदा कारतूस और 12,000 रुपये का कैश, साथ ही साथ कुछ ATM, कुछ मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिए हैं, उनसे बरामद किए हैं। की रात्रि रानीपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गढ़वेपुर गांव के पास रस्सा डाल के लोगों के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और 13 सितंबर को थाना कलियर क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मदपुर पांडा के पास इसी तरह से रस्सा डालकर लोगों के साथ लूट की गई थी, जिस संबंध में कई टीमें लगाई गई थी और उन टीमों में CIU हरिद्वार और SO कलियर के नेतृत्व में टीम को कल रात सफलता मिली, जिसमें दो अभियुक्त गिरफ्तार। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता रुड़की से अनिल सैनी जुड़ चुके हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे जो पुलिस ने पर्दाफाश किया है गिरोह का, उसमें कितने लोगों को हिरासत में लिया है? हेलो अनिल, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, जैसे मैं बताना चाहूंगा आपको कि पुलिस ने आज जो लूट का खुलासा किया है, कलियर में रोड को रोक कर जो घटना को अंजाम दिया गया था, इसमें तीन आरोपी थे, जिसमें से दो आरोपियों को पुलिस ने आज हिरासत में लिया है और एक आरोपी वहां से भागने में फरार हो कामयाब हुआ है। जी, तो पुलिस प्रशासन ने इन लोगों से क्या कुछ बरामद किया है अनिल? जी, पुलिस जो 13 सितंबर की रात को जो इमलीखेड़ा रोड पर यह लूट हुई थी, इसमें 6470 रुपए की नगद राशि थी और एक मोबाइल था जो लूट कर ले गए थे प्रशासन वाले, तो इनके पास से आज जो मिला है एक जिंदा कारतूस और 12,000 रुपए नकदी और दो अंगूठी और एक मोबाइल, ये सब कुछ इनके आरोपियों के पास से बरामद हो पाया है। जी अनिल, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।